एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया। अरशद, बताइए तफसीली फैसले में मजीद क्या कहा गया है? जी बसमा, लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया नुसरत शहबाज और हमजा शहबाज समेत दीगर को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी किया है। अदालत ने तहरीर किया है कि मुलजमान और दीगर अफराद के खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। इसके साथ साथ फैसले में ये भी कहा गया है कि मुलजमान को ट्रायल के बाद कोई सजा का इम्कान नहीं है, उनकी बरीयत की दरख्वास्तों को मंजूर किया जाता है। इसके साथ साथ अदालत ने शहबाज शरीफ की साहबजादी राबिया इमरान के दायमी वारंट जो है वो जारी किए हैं, और इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में ये भी तहरीर किया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में आया है कि वकील के मुताबिक हमजा शहबाज के खिलाफ ज्यादातर जो है वो टीटीज 2008 में की गई। इस वक्त जो है वो हमजा शहबाज कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते थे। अदालत ने ये भी लिखा है कि शहबाज शरीफ 2008 से अब तक जो है वो बाकायदा टैक्स होल्डर हैं। और तहरीरी फैसले में ये सब कुछ दर्ज था। अरशद अली, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।